खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यह आप लोग हमसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमज़ोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनत कश लोग आदि ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नज़र आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी, और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी। ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी है।